या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमत्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्याराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं माँ धूमावती जयंती, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 28 मई 2023 को पड़ेगी। तो माँ धूमावती का जो पूजन है, ये 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है, इनका पूजन किया जाता है। और माँ धूमावती का जो पूजन है 10 महाविद्याओं के साथ में संपन्न किया जाता है। धूमावती जयंती पर मंदिरों में स्तोत्र के पाठ होते हैं और माँ का विधि विधान से सामूहिक अनुष्ठान भी संपन्न किया जाता है। अनुष्ठान इत्यादि संपन्न करने के बाद माँ का विधान से पूजन किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ का ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप की पूजा सौभाग्यवती स्त्रियाँ नहीं करती। इसका कारण क्या है? बोले, एक बार भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से भोजन की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समाधि में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माँ को भूख लगी तो माँ ने भगवान शिव को ही अपना ग्रास बना लिया, उनको अपने निगल गई। और होता क्या कि भगवान शिव के गले में कंठ में जो विष है, इस विष के कारण उनका शरीर जलने सा लगा। तो भगवान शिव को जब जलता हुआ देखा तो और विष की इतनी वेग, इतनी तीव्रता थी कि माँ के शरीर से धुआं सा निकलने लगा। इसी कारण से उनको धूमावती के नाम से भी जाना जाता है। और 10 महाविद्याएं जो होती हैं, उन महाविद्याओं में माँ भगवती का एक ये स्वरूप है। इसलिए माँ का पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति, सौभाग्य की अखंडता, परंतु दूर से ही दर्शन करना चाहिए, इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, इनके सामने नहीं जाना चाहिए, ऐसा सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए। और माँ धूमावती के पूजन के लिए जो भी व्यक्ति आज के दिन माँ का पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और विशेषतया शत्रुओं का विनाश करने वाली ये माँ धूमावती है, शत्रुओं का विनाश करती है। शरीर इनका बड़ा दुर्बल है, शरीर काला है और बड़ी ही दुर्बल स्वरूप की ये माँ दिखाई देती है। और अपने जो भक्त हैं उनका कल्याण करती है और शत्रुओं का संहार करती है। तो मैंने आपको बताया माँ धूमावती का पावन पर्व जयंती किस दिन है। आगे मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।